नमस्कार, मेरा नाम बच्चन सिंह है। मैं एक क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ जॉयस आईवीएफ सेंटर। आज मैं आपको आईवीएफ प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। कई सारे पेशेंट्स के सवाल रहते हैं कि सर, आईवीएफ में कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेजेस हैं आईवीएफ की, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब पेशेंट्स आईवीएफ सेंटर पर विजिट करता है तो डॉक्टर्स के द्वारा उसका काउंसलिंग की जाती है, डिस्कशन होता है, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी प्रीवियस रिपोर्ट्स देख के चीज़ें डायग्नोसिस किया जाता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। तो उसके बेस पे जब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, फाइनल पेशेंट डिसाइड करता है कि मेरे को ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो उसके बेस पे फिर पेशेंट को बताया जाता है कि आपकी ये स्टेजेस होती हैं, आपको ऐसे से हम प्रोसेस करेंगे, इतना टाइम लगेगा, तो सारी चीज़ें। तो सब फर्स्ट जब पेशेंट आता है तो उसके बेसिक इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ फीमेल की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की जाती है। अल्ट्रासाउंड्स में हम बेसिक उसका एंडोमेट्रियम का, यूट्रस का एनाटॉमी चेक करते हैं और उसमें ओवरी में कितना उसके फॉलिकल्स हैं उस बेस पे। और कुछ हम फीमेल्स की हार्मोन्स ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जिसमें हम आमतौर पर एएमएच रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि फीमेल्स के एग कितने हैं, क्या क्वालिटी है उसकी, उसका एनालिसिस करते हैं। फिर हम मेल पार्टनर का सीमेन की जांच करते हैं कि सीमेन की क्वालिटी क्या है, उसके काउंट क्या है, मोर्टिलिटी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बेस पे। उसके बाद जब सारी चीज़ें फाइनल डायग्नोसिस बन जाता है, जब हम ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने पेशेंट का, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे जो मेजर है, जो पेशेंट को हम स्टिमुलेशन, जिसको प्रोसेस बोलते हैं, स्टिमुलेशन, ओवेरियन स्टिमुलेशन में क्या होता है, यूजली 9 से 10 दिन तक हम फीमेल को हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस लगाने के बाद अल्ट्रासाउंड के द्वारा ग्रोथ असेस की जाती है उसकी। 9 से 10 दिन इंजेक्शंस लगाने के बाद जब फॉलिकल्स का साइज़ 16 mm, 17 mm या 18 mm तक रीच हो जाता है या पहुंच जाता है, तब हम पेशेंट का फाइनल ट्रिगर करते हैं। फिर ट्रिगर करने के बाद हम 36 आवर्स के बाद उन एग को हम रिट्रीव कर लेते हैं, जिसको हम पिकअप बोलते हैं। पिकअप आमतौर पर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड के थ्रू करते हैं, जिसमें फीमेल्स को बेहोश किया जाता है। जब पिकअप के बाद उन एग को जब हम रिट्रीव कर लेते हैं, तो उनको लैबोरेटरी में सेपरेट करके उन एग को, साइड्स को निकाल लिया जाता है। जब हम हमें पिकअप के बाद जब एग मिल गया, तो उसी दिन हम क्या करते हैं, स्पेन के शुक्राणु को लेकर प्रोसेसिंग करके बेस्ट क्वालिटी के शुक्राणुओं को लेकर हम इक्सी के द्वारा फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं। तो ये थर्ड जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, सारी चीज़ें। फर्टिलाइजेशन में फिर हम एम्ब्रियो कल्चर के लिए जाते हैं। एम्ब्रियो कल्चर में हम 3rd दिन या 5th दिन तक लैबोरेटरी में एम्ब्रियो को कल्चर किया जाता है। कल्चर के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है एम्ब्रियो या नहीं करना है, या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं उसको या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अगर हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, तो हम 3rd या 4th या 5th दिन के बाद एम्ब्रियो बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जिसको हम फ्रेश एम्ब्रियो साइकिल बोलते हैं। इसमें यूजली जो पेशेंट का टाइम है, वो 1 मंथ में उसका जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर सपोज़ करो हमें एम्ब्रियो बच्चेदानी में ट्रांसफ़र नहीं किए और उसके बाद हमने एम्ब्रियो फ्रीज कर लिए, बैंक में स्टोर कर लिए, तो उसके बाद पेशेंट का हम नेक्स्ट मंथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करेंगे, इसको हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम बच्चेदानी प्रिपेयर करते हैं। जब बच्चेदानी प्रिपेयर हो जाती है, तो उन एम्ब्रियो को बैंक से निकाल कर बच्चेदानी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो लास्ट स्टेज है, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्टेज हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन हो गया, जो सेकंड स्टेज है वो एग रिट्रीवल है, जिसको हम पिकअप बोलते हैं। थर्ड स्टेज हो गई फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हम एम्ब्रियो को एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा इक्सी मशीन पर उन ओसाइट्स को फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। जो फोर्थ स्टेज है, वो है एम्ब्रियो कल्चर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सारी चीज़ें, प्रक्रिया है, उसको हम लैबोरेटरी में भ्रूण कल्चर कराते हैं। जो लास्ट स्टेज, जैसा कि मैंने बताया, वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जो फाइनल स्टेज है। एम्ब्रियो जो बना है, उसको हम फाइनल, हम क्या करते हैं, उसको बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको पूरा IVF का कैसे प्रोसेस होता है और कितना टाइम लगता है, जैसा कि मैंने बताया IVF का जो प्रोसेस होता है उसमें 2 से 2.5 महीने में ट्रीटमेंट जाकर पेशेंट का कंप्लीट होता है, तो ये टाइम हो गया सारी चीज़ें। तो मैंने पूरे प्रोसेस के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।